हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके क्रश कैसा फील करते हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो, क्या चलता है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, अगर आपकी कोई एनर्जीज मुझे पिक होगी तो मैं वो भी बताऊंगी। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके क्रश क्या कुछ सोचते हैं आपको लेकर, कैसा फील करते हैं, क्या है उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए। तो आपको अपने क्रश पे फोकस करना है और पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, उनका नाम ले लीजिए, नाम दोहराइए, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं आप लोग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की क्रश कैसा फील करते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बहुत ज्यादा स्पार्क मैं यहां पर देख रही हूं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये फील करते हैं आपसे, एक कनेक्शन जैसा फील करते हैं। मतलब कनेक्शन सेंस की हो सकता है कि ये आपसे कभी इन्होंने बात ना की हो, या बात भी की हो, एक अलग सा फील होता है इनको आपसे ना, जो फीलिंग आती है वो ऐसी फीलिंग इन्हें किसी से नहीं आती है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूं, कहीं ना कहीं इनको आप बहुत पसंद हो, आपका आपकी लुक्स इनको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे भी आप दिखते हो, जैसे आप अपने को कैरी करते हो ना, इनको ऐसा लगता है कि आप कितने क्लासी हो, कितने गुड लुकिंग हो आप, ऐसा ये फील करते हैं। देखो, आपको ना हो सकता है, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रही हूं इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं जो कि इन्होंने छुपा रखी हैं, हिडन फीलिंग्स कहते हैं ना, वो दिख रही है मुझे इनकी, जो कि इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करी। देखो, हिंट दिया होगा, आंखों ही आंखों से बात जरूर की है, देखना घूरना हर चीज किया है, बट मुंह से कभी कन्फेस नहीं किया है। और बहुत जल्दी हो सकता है ये आपको कन्फेस भी करें अपनी फीलिंग्स बताएं आपको कि ये कैसा फील करते हैं आपके लिए, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं। और अपना इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये बिना बताए रह नहीं पा रहे हैं। जैसे मानो इनको ऐसा लगता है, जैसे अगर आप आसपास होते हो ना, तो एक फ्लावर, एक खुशबू, एक फ्रेशनेस, एक पॉजिटिविटी, ऐसा ये कुछ फील करते हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ये रूम जैसा बना है, तो वो सॉन्ग मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से शायद इनकी फीलिंग्स है इस रिलिक्स में, कि हम तुम एक कमरे में बंद हूं और चाबी खो जाए, कुछ ऐसा ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। ऐसा ये चाहते हो कि यार कुछ थोड़ा टाइम मिल जाए तुमसे बात करने का, या तुमने देखने का, कुछ ऐसा ये चाहते हैं आपके लिए। आपके साथ एक रूम में बंद होना, एक मतलब ऐसा कुछ हो जाता कि मैं बस बात ही करता जाऊं, या देखता जाऊं, या देखती जाऊं, कुछ वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। बहुत ब्यूटिफुल फीलिंग मैं लिटरली फील कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल। इनको ना आप यहाँ पर मुझे रोज जैसा दिख रहा है, रोज बना हुआ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये आपको ना रोजेस देना चाहते हैं, व्हाइट रोजेस या फिर येलो रोजेस या रेड रोजेस, आई डोंट नो, मुझे रोजेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे व्हाइट, येलो और रेड में बोल रही हूँ ना, तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं, जैसे मानो कि रोजेस देना चाहते हैं और अपने दिल की बात कहना चाहते हो। और बहुत ज्यादा ये इमेजिन करते हैं आपको, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं बस कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रपोज करना है, मुझे अपने दिल की बात करनी है, कुछ ऐसा ये सोचते हैं आपको लेकर ना। काफी इमोशनल भी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हाफ मून बना हुआ दिख रहा है, आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए हाफ मून दिख रहा है, हाफ सर्कल, हाफ मून टूट गया वो भी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि
इनके दिल में ना बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं आपके क्रश, और आपको लेकर भी इमोशनल है। मतलब एक स्ट्रांग कनेक्शन बनाना चाहते हो मानो, मतलब ऐसा नहीं कि यार चलो दिख गई या दिख गया तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। एक इनकी फीलिंग्स जो है ना ऐसी नहीं है कि चलो टाइम पास वाली, वो फीलिंग नहीं। इनकी फीलिंग बहुत ज्यादा जेन्युइन मैं देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत ज्यादा इनके अंदर फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ज्यादा, जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं आपको कि कितना ज्यादा फील करते हैं, कितना ज्यादा प्यार करते हैं आपसे मानो, मैं वो चीजें देख रही हूँ। लाइकिंग बहुत है, बहुत ज्यादा लाइकिंग है, ऐसी लाइकिंग कि इनको ऐसा लगता है कि बस देखता ही जाऊं या देखती ही जाऊं, कुछ ऐसी लाइकिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लिटरली मतलब आप में खो जाना चाहते हैं, कोई वो एनर्जीज देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आपके क्रश पे ना, क्रश के आसपास मुझे काफी ऐसे लोग भी दिखते हैं जो इनको पसंद करते हैं। मतलब इनके लिए ना काफी ऑप्शंस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफी ऑप्शंस है, काफी लोग इन्हें पसंद करते हैं। देखो ये या तो ये गुड लुकिंग है या ब्यूटीफुल है, वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। काफी लोग इनके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। एक जेंटलमैन या वुमेन मुझे ये दिखती हैं, एक अच्छा नेचर, एक अच्छी आदतें हैं इनकी। फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ मुझे यहाँ पर इनकी, इनका नेचर बहुत अच्छा दिख रहा है, जिस वजह से हर कोई इनके ना करीब आना चाहता है, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। काफी लोग इनके ऊपर क्रश रखते हैं, वो चीजें भी मुझे दिख रही है। बट इनके एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि ये बस आप ही को पसंद करते हैं या करती हैं, मैं वो कुछ देख रही हूं। इनके दिल में ना आप चलते रहते हो, वो चीजें भी दिख रही हैं। बहुत ज्यादा आप इनके दिल में चलते रहते हो, और कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चलते रहते हैं। आप भी इनके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हो, और ये भी आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे ये मैरिड है या ये अनमैरिड है, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन एक दूसरे को सोचने से, एक दूसरे के ख्यालों में खोने से एक दूसरे को आप नहीं रोक सकते हो। हाँ, अनकन्फेस्ड फीलिंग जरूर है यहाँ पर, ना आपने कन्फेस किया है और ना अपनी फीलिंग्स को इन्होंने कन्फेस किया। ऑब्वियसली क्रश है तो नहीं किया है, बट स्टिल दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। कहीं ना कहीं आपको फील भी हो जाता होगा, ये कहीं ना कहीं आपको लाइक करते हैं, ऐसा कुछ आप फील कर लेते होंगे, वो चीजें भी दिख रही हैं। बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं ये आपको, जैसे मैंने बोला, सीरियसली बहुत ज्यादा इनको ऐसा लगता है कि मानो एक परी या फिर एंजल, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, गॉडेस वाली एनर्जीज, ऐसे ही आपको देखते हैं। और ये ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले दिखते हैं मुझे, गर्ल्स की रिस्पेक्ट या वुमेन्स की रिस्पेक्ट करने वाले मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके क्रश ना आपको लॉन्ग ड्रेसेस में देखना इनको बहुत पसंद है, या फिर इनको जो फीमेल है, अगर आपके क्रश मेल है तो मुझे दिख रहा है फीमेल्स को लॉन्ग ड्रेसेस में देखना या फिर एथेनिक्स वगैरह में देखना पसंद करते हैं ये बहुत ज्यादा, यानी कि सलवार सूट फुल ड्रेसेस में कुछ ऐसा ये पसंद करते हैं। अगर ये मेल है, अगर ये फीमेल है तो मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर जो इंडियन, जो प्रॉपर जो ड्रेसेस होती है ना, कुर्ता पैजामा उस टाइप के ड्रेसेस में इनको देखना पसंद है, अब ऐसा कुछ दिखता है। मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं, काफी टाइम से या तो ये सिंगल है या इनका बहुत बहुत टाइम से ये सिंगल है, या फिर ऐसा दिख रहा है, या फिर ऐसा है कि इनका अगर कनेक्शन रहा हो, काफी टाइम हो गया जब ये सिंगल है अभी तक, या फिर हो सकता है कि आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, पर उनकी अपने हस्बैंड या वाइफ से उतनी बनती नहीं है, वो चीजें भी मुझे दिख रही है। अगर ये रिलेशनशिप में भी है सपोज, तो भी मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि उनके साथ इनके कनेक्शन अच्छे नहीं रहे हैं, बेसिकली इनको समझने वाला आज तक कोई नहीं मिला है, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके क्रश की। मुझे यहाँ पर जो इनिशियल्स दिख रहे हैं मैं वो भी बता दूं आपको, मुझे यहाँ पर इनिशियल्स दिख रहे हैं ए सी बी ई आई के एम एन एस टी वाई, बी 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 सी भी दिख रहा है,
तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं गाइस मुझे, तो चलिए थोड़े से कार्ड्स भी ले लेते हैं। ओके थोड़े कार्ड्स भी देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफी मटेरियलिस्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और करियर फोकस्ड बहुत ज्यादा है, और काम वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब एक हार्ड वर्किंग होते ना, बहुत फोकस्ड है ये अपने करियर को लेकर, अपने स्टडीज, अगर ये पढ़ते हैं तो स्टडीज को लेकर मैं वो चीजें देख रही हूँ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मतलब पैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। क्योंकि आज तक ना रिलेशनशिप में तो ये रहे, पर मनी को लेकर इन्होंने हो सकता है कि काफी स्ट्रगल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, पर अभी ये मुझे इनके फाइनेंसेस अच्छे भी दिखते हैं, कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसेस अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं ये। यूनिवर्स ओके, यहाँ पर निकला है ओके, दो पॉप आउट हुए कार्ड, द एम्प्रेस, कि आपको एम्प्रेस जैसा देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, जो आपको, आप अकेले हो और इतने ब्यूटीफुल हो, ऐसा कुछ ये देखते हैं, जहां पर प्यार की कमी है, मतलब आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, मैं वो चीजें देख रही हूँ। ये अपना, अपने प्यार से आपकी लाइफ को भर देना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटेंस लव आपसे फील करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस लव, अट्रैक्शन, आपकी तरफ खींचे चले आते हो जैसे, ऐसा ये फील करते हैं, मैग्नेटिक पुल मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा आपके लिए ना रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके दिल में मुझे बहुत ज्यादा दिखती है, क्योंकि यहाँ पर सेंशुअल लव का, द एम्प्रेस का कार्ड निकल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपको फील करना चाहते हो, जैसे मानो टच करना चाहते हो, वो चीजें भी मुझे दिखती है, फैंटेसाइज करते हैं ये आपको बहुत ज्यादा, डिजायर्स मुझे इनकी दिख रही है, जैसे मैंने कहा लॉन्ग ड्रेसेस में, इनका फेवरेट कलर व्हाइट, रेड, ग्रीन या ब्लू या ब्लैक, ऐसे ड्रेसेस में आपको देखना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ना ये काफी नेचर लवर दिखते हैं, एक इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का केमिस्ट्री ना बहुत स्ट्रांग हो सकता है आने वाले टाइम में, ऐसा भी ये फील करते हैं। ओके तो बॉटम से देख लेते हैं, यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, वाओ, इनको ऐसा लगता है आप एक परफेक्ट इंसान हो, परफेक्ट हस्बैंड हो सकते हो या परफेक्ट वाइफ हो सकते हो, मतलब ये ऐसा कुछ फील करते हैं आपसे, आपके साथ अपना लव पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इवन मुझे मैरिज की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, शादी करना चाहते हैं आपसे, उतना फीलिंग्स मुझे इनकी दिख रही है। देखो मुझे ऐसा दिखता है ना, ये बहुत जल्दी आपको प्रपोजल दे सकते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, और अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं, मुझे वो एनर्जीज बहुत ज्यादा फील हो रही है, या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं स्ट्रांगली। द टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं और सेट भी रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे ना कंफ्यूजन माइंड सेट में भी रहते हैं ये, कि क्या मुझे प्रपोजल देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं मेरा वर्क इम्पैक्ट ना हो या चीजें खराब तो नहीं हो जाएंगी, या आना चाहिए, मतलब एक तरफ फीलिंग्स है, एक तरफ इनकी ना जंग जैसी चलती है दिल में, दिमाग में, मैं वो चीजें भी देख रही हूँ, पर स्ट्रांगली ये आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, ये स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। ओके तो यस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, क्रश की फीलिंग्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्रश पे रीडिंग मिलती रहती है रोज रात को, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, और एक लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। ओके और शेयर कर देना उनके साथ, कोई आपके फ्रेंड होंगे जिनको क्रश पे रीडिंग देखना पसंद है, या फिर क्रश है कोई किसी इनका कोई और जानना चाहते हैं, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।